साथ संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी, साथ संग जी सतगुरु म्यूजिक भोजपुरी चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बड़े प्यार और सत्कार से बोलना जी धन निरंकार। एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहा करते थे जो एक साथ घूमा करते थे, एक साथ खेला करते थे, जहां भी जाते थे एक साथ ही जाया करते थे। यह है नेकी राम जो बहुत ही सज्जन व ईमानदार व्यक्ति है, और यह है फेकू राम जो बहुत ही बेईमान व लालची आदमी है। दोनों एक साथ खेलते कूदते और एक साथ ही रहा करते थे। एक दिन दोनों मित्र एक गांव के पुलिये के पास बैठकर बात विचार कर रहे थे कि क्यों ना हम दोनों बाहर चलें और कुछ पैसे कमाएं ताकि आगे का भविष्य हम लोग का अच्छा हो सके। दोनों ने बात विचार की और जाने के लिए राजी हो गए। फिर दोनों ने अपना जोर शोर से तैयारी करना चालू कर दिया कि बाहर जाके कुछ पैसे कमाएंगे ताकि आगे का भविष्य हम लोग का अच्छा हो सकेगा। यह है फेकू राम का घर। फेकू राम अपने घर से सीधे निकल के अपने दोस्त के घर जाता है ताकि दोनों एक साथ बाहर जा सके और कुछ पैसा कमा सके। दोनों दोस्त भली भांति तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और एक साथ मिल जाते हैं। दोनों एक साथ ही मिलकर बाहर कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों दोस्त यह राय बात करके जाते हैं कि हम दोनों जाके वहां कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के अपने घर फिर वापस आएंगे, और जब हम घर वापस आएंगे तो अपना टूटी फूटी मड़ई, टूटी फूटी जो घर है उसे बढ़िया से बनवा सकेंगे। जब दोनों मित्र बाहर से कुछ पैसे कमाकर वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में रात हो गई थी। फेकू राम ने नेकी राम से कहा, अरे दोस्त सुनो, क्यों ना हम अपना धन आज रात भर के लिए इस पेड़ के खोखले में रख दें और कल सुबह होते ही यहां से लेकर चल चलेंगे। ना जाने हमारे गांव में कितने हमारे दुश्मन हैं, अगर रात को पैसा या धन घर लेकर जाते हैं तो कोई ना कोई मांगने आ जाएगा, नहीं तो हमारे घर से चोरी भी हो सकता है। तो नेकी राम ने भी अपने दोस्त का कहा मान लिया और फिर दोनों पैसा रखने के लिए उस पेड़ की तरफ चल निकले। दोनों ने इस बात को बहुत ही बारीकी से समझे और फिर दोनों ने निर्णय किया कि हाँ भाई, हम लोग दोनों अपना अपना बैग इसी पेड़ के खोखले में रख देते हैं ताकि सुबह में अपना पैसा हम सुरक्षित घर ले जा सकें और किसी को भी भनक भी न लगेगी। दोनों ने बहुत ही जल्दी से अपना अपना पैसा उस बैग के अंदर रख दिए। दोनों दोस्त अपना अपना पैसा उस बैग में निकाल कर रख दिए और दोनों बैग उस पेड़ पर रखने के लिए फेकू राम ऊपर चढ़ने लगा। नेकी राम नीचे से लाइट दिखा रहा था ताकि उसका बैग अच्छी तरह से उस खोखले में रखा जाए। दोनों रखने के बाद अपने में राय बात किए कि कल सुबह होते ही हम अपना धन वापस अपने अपने घर ले चलेंगे। सुबह होते ही दोनों दोस्त अपना अपना बैग लेने के लिए उस पेड़ के तरफ निकल पड़ते हैं।
जब वह पेड़ के पास जाते हैं तो फेकू राम उस पेड़ पर चढ़ता है और नेकी राम नीचे रहता है। दोनों बहुत ही खुश रहते हैं कि आज अपना धन मिलेगा और अपने घर लेकर जाएंगे। फेकू राम जब ऊपर चढ़ता है तो वो देखता है कि वहाँ तो बैग ही नहीं है। नेकी राम से पूछता है, नेकी राम बोलता है, भाई वहीं कहीं होगा, ध्यान से ढूंढो। फेकू राम चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई बैग नहीं दिखता। फेकू राम सीधे नीचे उतरता है और सीधा अपने दोस्त से जाके झगड़ा करने लगता है कि तूने गद्दारी किया है, धोखेबाजी किया है मेरे साथ, और अपना सर पीटने लगता है। नेकी राम बहुत सोचने के बाद बोलता है कि सुनो दोस्त, चलो हम लोग अपना बात किसी बड़े आदमी से बताते हैं, शायद वो कोई हमारी हेल्प करे। ये लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं, फेकू राम का भाई उस पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। इधर दोनों दोस्त अपने में झगड़ा करते हुए घर जा रहे थे, रास्ते में अचानक उनकी मुलाकात दो चार आदमी से होती है और उन आदमियों से अपना अपना दुख बताते हैं कि इसने मेरा धन चुरा लिया है, वो बोलता है इसने मेरा धन चुरा लिया है। वहाँ फेकू राम सबसे बताता है कि आप सब हमारे साथ चलिए, उस पेड़ का देवदूत ही बताएगा कि सारा धन किसने चुराया है। फेकू राम उस पेड़ के पास जाने के बाद बोलता है कि ये पेड़ बता तूने कि इस पेड़ से किसने धन चुराया है। तो उस पेड़ से आवाज़ आती है कि रात को नेकी राम आया था और इस पेड़ से दोनों बैग लेकर चला गया। नेकी राम जब यह बात सुनता है तो वह सुन्न हो जाता है, और फिर वो भी कम नहीं था, उसने भी अपना दिमाग लगाया कि ये देवदूत आज तुझे उसी पेड़ में ही जला दूंगा। इतना कहने के बाद नेकी राम वहाँ के सभी घास फूस उठाकर उस पेड़ के जड़ पे रखने लगता है ताकि उसमें आग लगा सके, और फिर रखने के बाद उसमें आग जला देता है। जैसे ही आग जलाता है फेकू राम का भाई चिल्लाने लगता है कि भाई मैं सब बताता हूँ, आप आग बुता दो, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। और फेकू राम का भाई सारी बात उस नेकी राम से बता देता है कि जिस रात को आप लोग दोनों अपना अपना बैग इस पेड़ के खोखले में रख के जाते हैं, उसी रात को मेरा भाई फेकू राम उस बैग को लेने के लिए रात को ही उस पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लेता है, और फिर वो रात को ही उस पेड़ के पास चला जाता है। जब वह उस पेड़ के पास पहुंचता है तब वह चारों तरफ देख लेता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, और धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाता है, और चारों तरफ देखने के बाद उस पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ने लगता है। ऊपर चढ़ने के बाद फेकू राम उसी रात को एक एक करके दोनों बैग नीचे उतार लेता है, और नीचे उतारने के बाद रात को ही बहुत धीरे धीरे से नीचे उतर के चारों तरफ देखने के बाद दोनों बैग अपने कंधे में लटकाता है और वहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ये सब मैंने उनके सिखाने पे किया है, ऐसा कहकर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। फेकू राम का सारा चोरी पकड़ी गई और वह बहुत ही शर्मिंदा था। उसका जितना भी धन कमाया था वो गांव के लोगों ने नेकी राम को दे दिया, और फेकू राम जस का तस रह गया, और नेकी राम ने कारोबार आगे बढ़ाया और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल से जीने लगा। साध संगत जी, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी धन दौलत या रुपया पैसा देखकर किसी प्रकार की लालच नहीं करना चाहिए। साध संगत जी, जो ईश्वर ने हमें दिया है उसी में हमको खुशहाल रहना है साध संगत जी, और उसी में रहना ही उचित होता है साध संगत जी।
बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।